हेलो एवरीवन, मेरा नाम है क्षितिज निगम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं बोट एयरडॉप्स 441 की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉक्स की बात कर लें तो बॉक्स के इस साइड पे दिखा लिखा होगा वन टच वॉइस असिस्टेंट है। सीरी गूगल को आप एक्टिवेट कर सकते हो। एडवांस कैपेसिटिव टच कंट्रोल है, जैसे कि आप म्यूजिक प्ले पॉज फॉरवर्ड कॉल को कनेक्ट करना डिसकनेक्ट करना। इस साइड दिया होगा कि स्क्वायर फुट है। आपको 6 mm के ड्राइवर मिलते हैं, इससे बेस और ऑडियो क्वालिटी बढ़िया आएगी। यहाँ बोट की ब्रांडिंग है। इस साइड देखें तो इंस्टेंट वेक पेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और 2600 mAh की बैटरी है। जो मेन USP इस ईयरबड्स का है, जो कि 441 से डिफरेंस यही है कि इसमें 2600 mAh की बैटरी जो 150 घंटे तक चलती है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 का टेक्नोलॉजी है, पावर बैंक का काम भी कर सकता है गजब, और वाटरप्रूफ भी है। लेट्स ओपन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर आपको अपना केस मिलता है। चलो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। आपको वारंटी कार्ड मिलता है, बोट के और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है आप जो आप खरीद सकते हो। इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमको बॉक्स में क्या मिला है। एक और बॉक्स है छोटा सा, इसमें मेरे हिसाब से USB की टाइप सी केबल होगी। हाँ जी, ज़रूर टाइप सी केबल है, इससे फास्ट चार्जिंग होगी क्योंकि टाइप सी केस है हमारा, टाइप सी से चार्ज होता है, चार्जिंग फास्ट होगी। केबल काफ़ी अच्छी लग रही है, प्रीमियम क्वालिटी की। और साथ में हम लोग को यूज़र मैनुअल मिलता है, जिसका हम यूज़ करना चाहें आप कर सकते हो, नहीं तो खुद ही एक्सपेरिमेंट करके खुद सीख लीजिएगा। इसको भी केस की बात कर लें तो केस थोड़ा हैवी है क्योंकि इसमें 2600 mAh की बैटरी है। 2600 mAh तो मतलब मोबाइल्स में आता था एक ज़माने में बैटरी, उतनी केस में तो कंपनी क्लेम करती है 150 घंटे का आपको बैटरी लाइफ मिलेगी। आप देख सकते हैं ये दोनों ईयरपॉड्स हैं। जी सर, जो ईयरबड्स, इसको साइड में करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। केस फुली प्लास्टिक डिज़ाइन में आता है, काफ़ी हैवी है बिकॉज ऑफ द बैटरी। और ये ईयरबड्स का वेट की बात करूँ तो मुझे अराउंड 3 ग्राम्स के लग रहे हैं। ज़्यादा हैवी नहीं है और काफ़ी कंफर्ट लगेंगे। इनके अंडर भी 35 mAh की बैटरी है जो अराउंड 4 to 5 hours चल सकती है। इसको आप अपने कान में वेयर करेंगे तो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, आप हर तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। बता देता हूँ इन एयर डोप्स को पेयर कैसे करना है अपने मोबाइल के साथ। जैसे ही आप केस अपना ओपन करेंगे तो ये पेयरिंग मोड में आ जाएंगे, इनकी LED ऑन हो जाएंगी। मतलब इसमें जो स्पेशल टेक्नोलॉजी एयर डोप्स ने डाली है वो है इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली। इनको आप ऐसे निकाल लें और सिंपली पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक कर दें तो ये तुरंत मोबाइल में शो होने लगेगा। आपको बस क्लिक करें एंड दे आर सक्सेसफुली कनेक्टेड। एयरडॉप सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं। इनकी बैटरी भी 100% दिखा रहा है। इन ट्रूली वायर ईयरबड्स में एक स्पेशल फीचर है, वो है वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी। जैसे ही आप केस को ओपन करेंगे तो ये एयरडॉप्स तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए कनेक्ट हो गया, इट इज़ कनेक्टेड। जैसे ही आप केस बंद करेंगे वापस डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो ये वापस डिसकनेक्ट होगा। मैं एक बार और बताता हूँ आपको। इसे अभी डिसकनेक्टेड है, मैंने केस को ओपन कर दिया और ये तुरंत कनेक्ट हो गया। इन ईयर डोप्स का एक और स्पेशल फीचर है ट्रूली वायर हेडसेट का, कि एक बार में एक भी यूज़ कर सकते हो आप। ये नहीं है कि दोनों यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ एक यूज़ करना है। तो इसको बंद कर दीजिए, साइड में रख दीजिए और एक आपका कनेक्ट हो गया। आप एक ही इससे कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपको दोनों यूज़ करने हैं तो स्टीरियो के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इन दिस TWS यू हैव कैपेसिटिव टच कंट्रोल्स। आप कैपेसिटिव टच कंट्रोल का इस्तेमाल करके म्यूज़िक को पॉज, जैसे ये पॉज हुआ, प्ले, डबल टैप फीचर भी है। प्ले पॉज है तो आप जैसे डबल टैप करेंगे नेक्स्ट कौन सॉन्ग प्ले हो जाएगा, जैसे पॉज करेंगे पॉज हो जाएगा, प्ले करेंगे प्ले हो जाएगा, फिर डबल टैप कर दीजिए आप नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा। इसमें कॉलिंग का फीचर भी है, जैसे आप कॉल एक्सेप्ट करना हो तो बस आप टैप करिए, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। अब टैप करिए, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल फीचर है, कॉलिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मैंने यूज़ करा है इसे काफ़ी घंटों के लिए तो ये कॉलिंग बहुत अच्छी दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर, तो कॉलिंग में भी कोई इशू नहीं है।
इसके साउंड की बात कर लेते हैं, इसका साउंड बिल्कुल बैलेंस्ड है। ट्रूली वायर्स ईयरबड्स को दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप यूसेज किया है, मुझे साउंड और म्यूज़िक में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। हाई हो, मिड जोन चाहे लोज हो, और वोकल्स सब बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, ना कि आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेस है, ना कि लगेगा बहुत कम बेस है, बिल्कुल बैलेंस साउंड बनाया गया है। मैं इसको बिल्कुल बैलेंस्ड बजट ईयरबड्स का, कोई भी टाइप का म्यूज़िक सुन रहे हो, चाहे जैज हो, पॉप हो, म्यूज़िकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, कैसा भी आप सुन रहे हो, सब में आपको काफ़ी बैलेंस साउंड देगा। अगर आप इंडियन यूज़र्स हैं, आपको बेस पसंद है, तो बेस भी प्रोवाइड करें, क्योंकि इसमें 6mm के ड्राइवर हैं, वो काफ़ी अच्छा बैलेंस साउंड देते हैं, और बेस क्वालिटी बहुत शानदार है, कंफर्टेबल है, साउंड अच्छा है। मतलब आप कई घंटों तक, मैं तो 3-4 घंटे तक पहन रहा, मुझे बिल्कुल वेट और हैवी फील नहीं हुआ। तो इसका ईयरबड्स अराउंड 3-4 आवर्स चल जाते हैं नॉन स्टॉप यूसेज पे, और चार्जिंग बैंक और 150 घंटे का अराउंड देता है। इसका ऑडियो बहुत अच्छा आएगा, जैसे मैं अभी वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी से, तो आप देख सकते, जज कर सकते हो कि ऑडियो कैसा है। कॉलिंग भी आप करोगे तो काफ़ी क्लियर आएगा। सोचिए मतलब इसके माइक इसका काफ़ी यहाँ होता है, आवाज़ यहाँ से आ रही है, तो काफ़ी अच्छा कैच कर रहा है। ये IPX7 सर्टिफाइड है, वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, कि आप जिम जा रहे हो, बाहर आउटडोर में रनिंग कर रहे हो, तो तब भी यूज़ कर सकते हो, तो सिक्योर फिट तो है ही, गिरेगा नहीं, और स्वेट प्रूफ है तो ख़राब भी नहीं होगा। तो ये जिम फ्रिक्स वालों के लिए भी बहुत बड़ा। अबाउट द गेमिंग गेम परफॉर्मेंस, का गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैंने पबजी खेला है काफ़ी देर तक, जैसे एनिमीज लेफ्ट से आ रहा, राइट से आ रहा, तो काफ़ी क्लियरली पता चलता है। अगर लेफ्ट से आ रहा होगा तो इस ईयरबड में आवाज़ आएगी, राइट से आ रहा तो इस ईयरबड में आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से गेमिंग में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और गेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेटेंसी। इसकी लेटेंसी काफ़ी कम है, जब भी आप गेम खेलते हो तो जैसे फायर कर रहे हैं तो उसी वक्त साउंड आता है, ये नहीं थोड़ा डिले हो गया, बिल्कुल लेटेंसी मिनिमम है, जिससे कि गेमिंग परफॉर्मेंस बढ़िया है। मैं इसे पबजी गेम के लिए भी रिकमेंड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अमेज़ोन पर अवेलेबल है कि नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, आपको पसंद आया तो ख़रीदेगा। जय हिंद।